सिसोदिया आज कोर्ट में पेश होंगे। शराब नीति केस की जांच कर रही सीबीआई बोली, डिप्टी सीएम ने एक दिन में 3 फोन बदले। दिल्ली शराब नीति केस में रविवार को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्टर्स में सीबीआई सूत्रों के हवाले से कहा गया कि जब लीकर पॉलिसी के जरिए कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था, उस दौरान सिसोदिया ने एक दिन में 3 फोन बदले थे। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों के नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू की। सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री हैं, जिन्हें एक केंद्रीय एजेंसी ने 1 साल से भी कम समय में गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था, वो अभी भी जेल में है। सिसोदिया अभी सीबीआई दफ्तर में है। आज दोपहर 1 बजे राउच एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले उनका मेडिकल किया जाएगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।